अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर हम अपना एक नए प्रोग्राम में नई डेस्टिनेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो है क्रॉसटेक इंटरनेशनल इमिग्रेशन लॉ फर्म के प्लेटफॉर्म से आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। और आपने जो सवाल भेजे हैं उसमें एक सवाल का हम बाहर भी है, लेकिन उनमें से हमने जो खास सवाल आपके चुने जो कि आपकी रहनुमाई में जरा मुफीद साबित होंगे, मजीद जो रह गए उसके लिए आप व्हाट्सएप करें और हमारे ऑफिस में विजिट करें, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करके सारे सवाल के जवाब दे दिए जाएंगे। तो आइए हम जो नॉर्थ मैसिडोनिया है इसके बारे में सवाल देते हैं कि आपके लिए कैसे ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। सर ये बताएं कि नॉर्थ मैसिडोनिया की कहाँ वाक़ है और बेशतर लोग इसकी सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में रहनुमा। देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ना वो एक बड़ी वैल्यूबल कंट्री है और सिटीजनशिप जो है बाई इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं, जिसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी कम है। देखिए, आप 2 लाख यूरो यानी 2 लाख यूरो के भाव के ऊपर आप जो है वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं, तो लिहाजा रिक्वायरमेंट भी कम है, अमाउंट भी कम है और सिटीजनशिप लेना भी आसान है। सर, नॉर्थ मैसिडोनिया की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट इब्तदाई तौर पर देता है? देखिए, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो आप नॉन रिफंडेबल है, जो कि आप गवर्नमेंट के फंड्स में डोनेट कर देते हैं तो उसकी बुनियाद पर भी आप सिटीजनशिप ले लेते हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप एक सर्टेन टाइम के बाद ले सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें आप 2 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि प्राइवेट से हट के भी हैं तो उसके अंदर आप 4 लाख के करीब यूरो जो है इन्वेस्ट करें तो आप अपनी जो है सवाल पूछ सकते हैं। सर ये बताएँ कि कितने ममालिक जो है ट्रैवल फ्री है वो यानी कि नॉर्थ मैसिडोनिया, जैसे मॉन्टीनेग्रो में हमने पैज नॉर्थ मैसिडोनिया का जो पासपोर्ट है उस पर मोर देन 126 जो कंट्रीज हैं आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सर ये बताएं कि जैसे दूसरे ममालिक से सिटीजनशिप मिलने के बाद पूरी फैमिली माँ बाप बहन भाई को शिफ्ट कर देते हैं तो क्या यहाँ भी फैसिलिटी? अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ये फैसिलिटी नहीं देगा, जैसे डोमिनिका देता है या अपना सेंट किट्स एंड नेविस देता है, उसके अलावा और भी हमने कंट्री बताई थी, तो ये नहीं ऑफर करते। लेकिन ये है कि आप अपनी स्पाउस और अंडर 18 ईयर्स जो ओल्ड चाइल्ड हैं वो अपनी एप्लीकेशन पर यानी वन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो सिटीजनशिप के हासिल करने के लिए नहीं। सर एक वो बड़ा इम्पोर्टेंट और आम कल्चर आता है कि सिटीजनशिप हासिल करने के लिए क्या वहाँ पर कुछ अच्छा पीरियड के लिए आपको रहना पड़ता है या नहीं? सर इसमें जैसे दूसरे ममालिक बेशुमार ममालिक हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन है कि इतना अर्सा रहेंगे तो फिर आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। इस कंट्री के अंदर आपको रहने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप विदाउट स्टे जो है वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज का बैरियर भी कोई नहीं है, जैसे कैनेडा में आप सिटीजनशिप हासिल करते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज का बैरियर भी क्रॉस करना है, तो यहाँ नहीं है। यानी कि विदाउट एनी स्टे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करके सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, इसकी जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा अच्छा, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जिसकी बुनियाद पे आप जो है अपना एक अच्छा फ्यूचर जो है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वहाँ हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो आपके सवाल के हमने जवाब दिए तो उससे आपको काफ़ी रहनमई मिली होगी। मजीद सवाल के लिए जो है वो आप हमें व्हाट्सएप करें या विजिट करें, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक्स भी करते हैं और देखते भी हैं। अगर आप अल्टीमेटली देखा जाए तो ये आपका बेनिफिट्स है जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं कॉस्ट के प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया।